नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभता। और इस वक्त की अहम खबर पंजाब में कोरोना केसेस को लेकर सामने आ रही है। जी हां, पंजाब में कोरोना केसेस ने एक बार फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। लगातार केसेस आने जारी हैं। और बात करें बीते 24 घंटों की, तो फिर एक बार पॉजिटिव केसेस की गिनती में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या पूरी सिचुएशन है पंजाब में इस वक्त? बीते 24 घंटों में कितने पॉजिटिव केसेस निकल कर सामने आए? वहीं आपको बता दें कि 2 जिलों में केसेस भी सामने निकल कर आए। सो पूरी अपडेशन आपको इसी लाइव में देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दरअसल जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि पंजाब में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए, जिसके चलते हेल्थ विभाग की ओर से टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और टेस्टिंग को भी बढ़ा दिया गया है। वही जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि बीते 24 घंटों में हेल्थ विभाग की ओर से 4,969 सैंपल्स भेजे गए थे, जिनमें से 4,225 सैंपल्स की जांच की गई है। इनमें से 321 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। जी हाँ, जो जानकारी आपको दी है स्टार्टिंग में कि केसेस में एक बार फिर से जो है वो लगातार आने जारी हैं, बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो 321 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। यही नहीं, कोरोना का कहर के चलते 2 लोगों की मौत भी हुई है। सो जिन मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है, वो आपको बता दें कि 2 जिलों के रहने वाले थे पंजाब के जालंधर व मोगा जिले के जिन मरीजों की डेथ हुई है वो रहने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि इस समय पंजाब में 19 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सो आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो मोहाली में बताया जा रहा है। और अगर जिले वाइज बात करें कि हम कौन कौन से जिले में कितने पॉजिटिव केसेस हैं, लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में 31 का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। वहीं जालंधर में 537 सैंपल्स में से 18 लोगों की बीते 24 घंटों में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमृतसर की बात करें तो 633 में से 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फजिलका की बात करें 151 में से 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सो इस तरह से लगातार जो है वो पंजाब के अलग अलग जिलों में डेली एक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग बढ़ा दी गई, तो वहीं पॉजिटिव केसेस की जो गिनती है वो भी अब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। सो जितना हो सके अलर्ट होने की ज़रूरत है और साथ साथ जो प्रिकॉशंस हैं उनको बरतना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।